पुलिस की मुखबरी के शक में दबंगों ने दो को मारी गोली। एक गंभीर। यूपी के कौशाम्बी के बजनपुर कोतवाली के शहीदाबाद गांव में दबंगों ने पुलिस की मुखबरी के शक में पप्पू व मुस्लिम नाम के दो युवकों को घर में घुसकर गोली मार दी। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्रयागराज के SRN रेफर कर दिया। इन दोनों पर गो तस्करों की मुखबरी का आरोप है। दबंगों के दो तस्कर साथी प्रतिबंधित मास्क के साथ पकड़े गए थे, अभी भी वे जेल में बंद हैं। भजनपुर कोतवाली के नारा चौकी पुलिस को 3 जुलाई को शहीदाबाद गांव के एक घर में गाय काटने की शिकायत मिली थी। गांव पहुंचने पर पुलिस ने मुस्लिम से तस्करों का घर पूछ लिया था। पुलिस ने घर के अंदर प्रतिबंधित मास्क के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस पर तस्कर उससे रंजिश रखने लगे। आरोपी की तस्करों के साथियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मुस्लिम ने भजनपुर कोतवाली में अपनी जान का खतरा बताकर शिकायत भी की थी। दबंगों ने गोली मारने के बाद घर में तोड़फोड़ की। गोली दोनों के हाथ में लगी है। इसके अलावा दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग भी की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक दबंग मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बीती रात थाना क्षेत्र नंगलपुर में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको मौके पर गए अधिकारीगण मौके पर गए और उसको जो भी घटना हुई थी उसके लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो मेडिकल और स्टाफ प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई की गई है।